होर्डिंग लगाने के विवाद में ब्लॉक प्रमुख व पूर्व ब्लॉक प्रमुख में हुआ विवाद। नमस्कार मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आपको बता दें इमामना फतेहपुर के हसवा ब्लॉक परिसर में होर्डिंग लगवाने को लेकर ब्लॉक प्रमुख अक्षय लोधी व पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्रसेन यादव के बीच जमकर विवाद हो गया। मौके पर पहुंचे हसवा चौकी प्रभारी ने ब्लॉक परिसर में लगी विवादित होर्डिंग को हटवाया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्रसेन यादव को तरिया गांव थाने ले गए। आइए डालते हैं एक खबर पर नजर, उत्तर प्रदेश फतेहपुर रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। गए थे तो जैसे हम लोग ब्लॉक आए गाड़ियाँ खड़ी थी। किन लोगों की गाड़ियाँ खड़ी थी? विधायक इनकी हिमसेन यादव जी की। जैसे हम लोग ने पूछा कि कहाँ से गुजर के आई तो ये बताया गया कि मेन ब्लॉक कैंपस के अंदर से ये लोग निकल के गाड़ी गलौज करके गए। हफ्ते में हम लोग पहुँच गए वहाँ। क्या मामला था, किस लिए गाली गलौज की गई थी? गाली गलौज इनका एक वो लगा था होल्डिंग बस चिकित्सालय कैंपस के अंदर जो कि अवैध था। गवर्नमेंट कैंपस के अंदर नहीं लगाया जा सकता उसको। जब प्रमुख ने बात, किस चीज़ की होल्डिंग लगी हुई थी? वो प्रचार प्रसार की थी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत की। उसमें जो है जब प्रमुख जी ने टेलीफोन करके चौकी इंचार्ज को बात की तो उन्होंने उस होल्डिंग को BDO SDM से बात करके उसको उतरा दिया और दूसरी जगह लगा दिया क्योंकि वो पश्चिम के परिसर के बाहर लगा दिया। हाँ बाहर लगा दिया, वो अंदर लगी हुई थी, पेड़ थे वहाँ उसी के अंदर वो लगी हुई थी तो उसी में उन्होंने उखड़ा करके चौकी इंचार्ज ने बाहर लगवा दिया। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीर खान वरिष्ठ लिपि खसवा। भाई अकबर साहब क्या मामला है, तो कहे तो लेकर विवाद हुआ? विवाद ये हुआ कि ब्लॉक परिसर में सरकारी कैंपस में होल्डिंग लगी हुई थी इनकी, तो BDO साहब ने भाई सरकारी कर्मचारी को फोन किया कि भाई ये होल्डिंग भी लगी है इसको आप उतरवा दें क्योंकि सरकारी कैंपस में होल्डिंग लगना गलत है। तो सर जो कर्मचारी था उसने होल्डिंग उतार दिया। उसके बाद जो है इन्होंने इंद्रसेन यादव ने जो पूर्व प्रमुख हैं इन्होंने उसको फ़ोन किया जो कर्मचारी था उसको ये कहा कैन जो तुमने मेरी होल्डिंग उतारा है कैन अभी गोली चल जाएंगे अभी मैं बता रहा हूँ। तो उसने हमसे बताया तो मैंने कहा चलो हल्का मामला है कोई बात नहीं, हमका आदमी गाली देता है। मैंने कहा एक बार BDO साहब का अवगत करा दो, तो BDO साहब को भी अवगत कराया तो BDO साहब ने ये कहा कि जो उनकी होल्डिंग है उसको ब्लॉक में रखवा दो, उनके कोई कर्मचारी हैं अपना आके ले जाएंगे, उनके जो भी आदमी हैं आके और कहीं लगवा ले होल्डिंग। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये अपना 3-4 गाड़ियों से असलहे के साथ ब्लॉक के अंदर घुसे। उस वक्त मैं अपने केबिन में मौजूद था और ये आके अपना कर्मचारियों के साथ इन्होंने बर्ताव की, गाली दिया मेरा नाम लेके, सबका नाम लेके, BDO साहब का। उस टाइम BDO साहब वहाँ कोई मौजूद नहीं थे और इन्होंने सरकारी कागज़ पे जो सरकारी के कागज़ थे उसको फाड़ा मेरे केबिन में आए। भाई जब इन्होंने पूछा कि भाई प्रमुख कहाँ है तो आए मेरे केबिन के भाई, इन्होंने जो अभद्रता थी उन्होंने गाली दिया। उसके बाद आके मेरी सरकारी कार्य योजना जो थी उसको फाड़ा और मेरे ऊपर राइफल ताना। उसके बाद मैंने अपनी जान बचा के मैंने कमरा बंद कर लिया अंदर से। उसके बाद ही अपना वहाँ बाहर निकले, वहाँ बाहर गाली गलौज करते रहे। मैंने तुरंत चौकी इंचार्ज को फ़ोन करके अवगत कराया। चौकी इंचार्ज थोड़ी देर बाद आए, जब तक आए तो ये अपना ब्लॉक परिसर से बाहर निकल चुके थे असलहे के साथ। इंद्रसेन यादव मौजूद थे, उनके भाई सुरेंद्र यादव और उनके जो प्रधान एक भाई राजेंद्र यादव और उनका बेटा बलबीर और एक उनका भतीजा था दलबीर यादव और करीब 2 दर्जन से अधिक लोग थे। उसके बाद चौकी इंचार्ज ने आए, उन्होंने देखा भी कि करीब रिकॉर्डिंग बनाया, करीब असलहे उनके पास 6-7 असलहे थे। होल्डिंग कहाँ लगी थी? होल्डिंग लगी थी सरकारी कैंपस में। जी कौन उतरा रहा था उसको? उसके बाद ये अपना आए उस होल्डिंग को इन्होंने खुद पुनः फिर टंगवाया। टंगवाने के बाद चौकी इंचार्ज आए तो चौकी इंचार्ज ने बात करके BDO साहब से पूछा कि ये आपने कहा था? तो उन्होंने कहा हाँ भाई सरकारी कैंपस में होल्डिंग लगना गलत है। उन्होंने चौकी इंचार्ज ने तुरंत उसको होल्डिंग उतरवाया। जब तक चौकी इंचार्ज आए जितने असलहे थे उन्होंने देखा भी कि असलहे थे और उसके बाद ये गाड़ी लेकर फरार हो गए। मौके पर से
इंसेन यादव पूर्व प्रमुख को वहाँ से गिरफ्तार करके यहाँ थाने लेके आए। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की इस पर? पुलिस को तहरीर दी गई, पुलिस अभी मुकदमा दर्ज कर रही है। क्या नाम है आपका? अक्षय लोधी, ब्लॉक प्रमुख हसुआ।